श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जैसा कि आपको पता ही है, अपन BA फाइनल जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपन संयुक्त राष्ट्र संघ UNO अपन पढ़ रहे हैं। अब UNO में अपन ने महासभा को पढ़ लिया था, आज अपन सुरक्षा परिषद पढ़ रहे हैं। अपन ने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 19 अध्याय 111 अनुच्छेद और लगभग 10,000 शब्द है। तो इसके अनुच्छेद 4 में लिखा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 6 अंग है। तो अपन ने पहला महासभा पढ़ लिया, आज अपन सुरक्षा परिषद पढ़ रहे हैं। सुरक्षा परिषद है, इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। मैंने आपको बताया था इसके 6 अंग है, 6 अंगों में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय सिर्फ एक नीदरलैंड में है, बाकी जो इसके 5 अंग है उनका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अब ये जो सुरक्षा परिषद है ये है वो UNO का, इसे केंद्रीय अंग कहते हैं। सुरक्षा परिषद को जो UNO है या संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका केंद्रीय अंग, इसे की या चाबी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो इसका प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद है वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका प्रमुख अंग है डेविड कुशमैन। वह निकोलस ने, डेविड कुशमैन और निकोलस है, इसने इस सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा है। किसको? सुरक्षा परिषद को। तो डेविड कुशमैन और निकोलस ने सुरक्षा परिषद को क्या कहा है? तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा है। किसने? डेविड कुशमैन और निकोलस ने। तो पामर व पार्किंग्स ने जो सुरक्षा परिषद है इसको UNO की या संयुक्त राष्ट्र संघ की या कुंजी का है। तो अपने को यह ध्यान रखना है, सुरक्षा परिषद मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसे जो महासभा है इसका केंद्रीय अंग की या चाबी कहा जाता है डेविड कुशमैन और निकोलस ने, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन का है पामर और पार्किंग्स ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की इसे की या चाबी या कुंजी का है। अब अपने जो ये सुरक्षा परिषद है इसमें सदस्य कितने हैं? जिस प्रकार से अपन ने महासभा में पढ़ा था वैसे ये सुरक्षा परिषद है इसमें सदस्य कितने हैं? तो मूल रूप से पूछ ले कि मूल रूप से सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने थे, तो 11 थे। कितने थे? काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं सुरक्षा परिषद का, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो अपने को ध्यान रखना सुरक्षा परिषद है इसकी मूल तो सदस्य संख्या कितनी थी, तो 11 थी। बात वर्तमान की आ जाए कि वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, तो 15 है। अब इसमें दो कैटेगरी के सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं स्थायी सदस्य और एक होते हैं अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य इनके फिक्स है, जब अपने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब हुई थी तो उसमें जो हमने याल्टा सम्मेलन पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था। तो स्थायी सदस्य वो 5 देश है जिनको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिली हुई है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। सुरक्षा परिषद है इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक स्थायी 5 है और ये 5 देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। दूसरा है अस्थायी सदस्य, जब ये वो 15 है टोटल, वर्तमान में पहले 11 थे, तो ये स्थायी तो 5 ही थे परंतु जो अस्थायी 6 थे। परंतु 1965 में ये जो अस्थायी सदस्य है इनकी सदस्य संख्या को 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया। तो वर्तमान में स्थायी सदस्य तो वो पहले ही 5 थे, आज भी 5 है, परंतु जो अस्थायी सदस्य थे जो इसकी स्थापना से लेकर 1965 तक इनकी सदस्य संख्या 6 थी, परंतु वर्तमान में कितनी हो गई है? 10 हो गई है। तो टोटल मिलाकर इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अस्थायी की पूछ ले तो 10 होती है और स्थायी है वो 5 है ही। और काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद है इसका स्थायी सदस्य नहीं है, तो नहीं है वाले क्वेश्चन में अपने को ध्यान रखना है ये तो 5 है, अब इनमें से एक नाम ऐसा डाल देंगे जो इसका नहीं है, तो ये है। अब ये जो अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य
इनका चुनाव है वो कौन करती है? महासभा द्वारा, अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों व सुरक्षा परिषद के सहमति से, सुरक्षा परिषद के ये 5 देश है इनकी सहमति से जो ये अस्थायी सदस्य है इनका चुनाव किया जाता है। और ये अस्थायी सदस्य है, इन अस्थायी जो सदस्य है इनका कार्यकाल है वो पूछ ले, अस्थायी सदस्य है, अब स्थायी सदस्य इनका कार्यकाल क्या है? ये तो स्थायी है तो इनका तो कार्यकाल है, कोई कार्यकाल नहीं है। और अस्थायी है इनका कार्यकाल पूछ लेते हैं तो कितना है? 2 वर्ष है। अस्थायी सदस्य इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। तो प्रतिवर्ष 5 अस्थायी सदस्य है उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और 5 उनकी जगह नए सदस्य चुन लिया जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है सुरक्षा परिषद मुख्यालय न्यूयॉर्क में इस सदस्य संख्या 15, मूल सदस्य संख्या 11 थी, जिसमें 5 तो स्थायी और 6 अस्थायी। 5 स्थायी देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। अस्थायी सदस्य पहले 6 थे मूल रूप में, 1965 में संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया गया और इस प्रकार टोटल इसकी 15 हो गई। और इनका चुनाव है महासभा के जो सदस्य 193 अपने पड़ा था उनके उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, और साथ में सुरक्षा परिषद है इनके 500 जो देश है इनकी सहमति होना जरूरी है, और एक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। प्रतिवर्ष 5 जो देश है इनका कार्यकाल पूरा होता है और उनकी जगह 5 नए चुन लिया जाता है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू होता है। ये बातें अपने पढ़ी थी। अब भारत, अपन अपने देश की बात करें भारत की, तो भारत भी आज तक सुरक्षा परिषद है इसका 7 बार सदस्य रह चुका है। भारत भी किसने वो काफी बार पूछा गया है कि भारत आज तक सुरक्षा परिषद का कितनी बार सदस्य रह चुका है, तो भारत आज तक सुरक्षा परिषद का 7 बार सदस्य रह चुका है। आ जाए कि भारत ने आज तक सुरक्षा परिषद का है इसका अस्थायी सदस्य भारत को कितनी बार के लिए चुना गया है, तो कितनी बार के लिए चुना गया है? 7 बार के लिए। 8वीं बार के लिए भी भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है और वो उसका कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। तो वर्तमान तक भारत अपने अस्थायी सदस्य है इसके 7 कार्यकाल पूरे कर चुका है और 8वीं बार के लिए भारत चुना गया है, इसका जो 8वां कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। अब भारत है ये सुरक्षा परिषद है इसका सदस्य है वो अस्थायी सदस्य कब कब रह चुका है, तो सबसे पहली बार 1950-51 में प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू। दूसरी बार भारत सदस्य है वो 1967-68 में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तीसरी बार भारत 1972-73 में, और 72-73 में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। चौथी बार भारत है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य 1977-78 में, तो इस समय पहले थोड़ा दिन के लिए इंदिरा गांधी और फिर मोरारजी देसाई थे। उसके बाद में 5वीं बार के लिए 1984-1985, इसमें पहले इंदिरा गांधी, फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या करने के बाद में राजीव गांधी। 5वीं बार 1984-85। छठी बार के लिए भारत 1991-92, इस समय चंद्रशेखर और पीवी नरसिंह राव थे देश के प्रधानमंत्री। और 7वीं बार 2011-12, 7वीं बार है वो 2011-12, और इस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो इस प्रकार भारत जो ये सुरक्षा परिषद है इसकी अस्थायी सदस्य है इसका 7 बार रह चुका है। पहली बार 1950-51, दूसरी बार 1967-68, तीसरी बार 1972-73, चौथी बार 1977-78, 5वीं बार 1984-85, छठी बार 1991-92 और 7वीं बार 2011-12। इसमें ऐसे भी पूछते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था या उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो भारत के प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिए। और 8वीं बार के लिए भारत है वो जो ये सुरक्षा परिषद है इसका अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक इस 8वीं बार अस्थायी सदस्य है वो अपनी ग्रहण करेगा। अब जो अपन ने ये 5 स्थायी सदस्य पढ़े थे, स्थायी सदस्य है आपको मैंने पहले पढ़ा दिया, इनको विट्टो का अधिकार प्राप्त है। विट्टो का मतलब है ये किसी भी
काम है इसको रोक सकते हैं, वीटो का मतलब निषेध या मैं मना करता हूं, तो इसको वीटो पावर दिया गया है पांचों स्थायी सदस्यों को। अब ये सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद है, इसको शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये भी दिया गया है, और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये सुरक्षा परिषद को 1998 में सुरक्षा परिषद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था। तो ये ध्यान रखना है कि सुरक्षा परिषद है इसको शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया था, तो कब दिया था 1998 में दिया था, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब सुरक्षा परिषद है इसके कार्य क्या है, तो सुरक्षा परिषद है इसके कार्य क्या है, सुरक्षा परिषद है इसके कार्य क्या है, तो सुरक्षा परिषद के कार्य है वो सबसे पहले है शांति स्थापित करना। सुरक्षा परिषद है इसका प्रमुख कार्य शांति स्थापित करना। सुरक्षा परिषद है आक्रमणकारी देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाना, आक्रमणकारी देश है उसके खिलाफ आर्थिक है वो प्रतिबंध लगाना। तीसरा इसका जो काम है वो है सैन्य कार्रवाई करना, अगर कोई देश इसका बात नहीं मान रहा है, बार बार उल्लंघन कर रहा है, तो सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। चौथा अधिकार है वो हथियारों की प्रतिस्पर्धा को रोकना, हथियार है आपस में विभिन्न देशों के, तो उस प्रतिस्पर्धा को कम करना या उसको रोकना। इसका अगला कार्य है वो है गृह युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में शांति सेनाएं भेजना, अगर किसी देश में गृह युद्ध हो रहा है तो वहां पर शांति सेनाएं भेजना। तो इस प्रकार ये सुरक्षा परिषद है इसके कार्य है। आज तक यूनो ने या संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने 64 शांति मिशन भेजे हैं, कितने भेजे हैं 64 शांति मिशन भेजे हैं, इसमें से भारत की सेना ने भी 44 शांति जो मिशन है भाग लिया है, अपने देश भारत ने भी 44 जो शांति मिशन है उसमें भाग लिया है, और आज अभी वर्तमान में भी भारत के लगभग 6000 सैनिक है वो विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के लिए अपनी है वो भूमिका निभा रहे हैं या अपना योगदान दे रहे हैं। अपने देश की जो महिला सैनिक है वो भी विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने में अपना सहयोग दे रही है। भारतीय महिला सेना है वो लाइब्रेरिया में भी गई थी शांति स्थापित करने के लिए। अब सुरक्षा परिषद है शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन करती है, शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन करती है जिन्हें पीस बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पीस बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है कि सुरक्षा परिषद जो शांति स्थापित करने के लिए आयोग बनाती है उन आयोगों को किस नाम से जाना जाता है, तो उन आयोगों को पीस बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब ये भारत और पाकिस्तान के मध्य आपको पता है जब से दो स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे तब से ही इनके आपस में है वो मतभेद है, तो भारत और पाकिस्तान है इनके मध्य भी शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने एक आयोग की स्थापना की थी जिसका नाम है मेकांटन आयोग। काफी बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मेकांटन आयोग का संबंध किन देशों से है, तो भारत और पाक से, भारत और पाक में शांति स्थापित करने के लिए मेकांटन आयोग है इसकी स्थापना की गई है। आज के लिए इतना ही, अब अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, जब तक अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद।